नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे नई दिल्ली से खड़गपुर जंक्शन या हिजली तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की जो ट्रेन जानकारी है जो वीडियो है वो होगी नई दिल्ली से खड़गपुर या हिजली पश्चिम बंगाल तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई दिल्ली से खड़गपुर जंक्शन या हिजली तक कौन कौन सी ट्रेन चलती है और उन सभी ट्रेनों के नाम और नंबर, और जो ट्रेन है वो नई दिल्ली के कौन से स्टेशन से रवाना होती है और खड़गपुर या हिजली में कितने बजे कौन से प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है, कितना समय लगाती है दिल्ली से खड़गपुर या हिजली तक, और कौन कौन से दिन जो है वो दिल्ली से रवाना होती है ट्रेन, और उस ट्रेन में कौन कौन से कोचेस हैं और कितना डिस्टेंस कवर करती है और कितना एवरेज स्पीड है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो है इस रूट पर है वो है न्यू दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस, जो कि वाया आद्रा होकर चलती है, और सबसे स्लोएस्ट है कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस, जो कि 32 घंटे 35 मिनट में नई दिल्ली से हिजली की दूरी जो है पूरी करती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात कर लेते हैं इन सभी ट्रेनों के बारे में। सबसे पहली ट्रेन जो चलती है जो कि दिल्ली को हिजली से कनेक्ट करती है वो है नीलांचल एक्सप्रेस। नीलांचल एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 12876। ये जो ट्रेन है आनंद विहार टर्मिनल से हरिद्वार मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 पे 6 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 27 घंटे 55 मिनट बाद हिजली में अगले दिन सुबह 11:25 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 31 स्टेशन हैं, 1515 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 54 किलोमीटर पर आवर है और ये जो ट्रेन है सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी शामिल है, LHB कोच वाली ट्रेन है। अगर कोच कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो 2 जनरल डिब्बे जो कि इंजन की तरफ लगाए गए हैं, बाकी इसमें थर्ड एसी के तकरीबन 7 कोच हैं, 2 कोच सेकंड एसी के हैं और 1 कोच फर्स्ट एसी का और 1 पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद जो दूसरी ट्रेन इस रूट पर चलती है जो कि दिल्ली को हिजली से कनेक्ट करती है वो है नंदन कानन एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12816। ये जो ट्रेन है आनंद विहार टर्मिनल से हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 7:30 पर 6 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 22:50 बाद ये ट्रेन जो है हिजली पश्चिम बंगाल में सुबह 6:20 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 19 स्टेशन हैं और 1409 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 62 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। और कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी शामिल है और LHB कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद जो तीसरी ट्रेन इस रूट पर चलती है जो कि दिल्ली को हिजली से कनेक्ट करती है वो है ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12820। ये जो ट्रेन है आनंद विहार टर्मिनल से हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8:00 5 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 22:20 बाद ये ट्रेन जो है हिजली पश्चिम बंगाल में अगले दिन सुबह 6:20 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। संपर्क क्रांति टाइप की ट्रेन है, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। इसके तकरीबन 6 स्टेशन हैं, 1465 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 66 किलोमीटर पर आवर है। संपर्क क्रांति टाइप की ट्रेन है, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। ये ट्रेन भी LHB कोच वाली ट्रेन है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। ये जो ट्रेन है आनंद विहार टर्मिनल से हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8:05 प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। इसके बाद चौथी और जो सबसे स्लोएस्ट ट्रेन कह सकते हैं दिल्ली को हिजली से कनेक्ट करने वाली वो है कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन से रोज़ाना दोपहर के 12:00 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। इसका ट्रेन नंबर है 18478। रोजाना ये ट्रेन जो है दोपहर के 12:00 2 नंबर प्लेटफॉर्म से हज़रत निज़ामुद्दीन से रवाना होती है और 32:35 बाद ये ट्रेन जो है हिजली पश्चिम बंगाल में अगले दिन रात के 8:35 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है और इसके तकरीबन 49 स्टेशन हैं, 734 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 53 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी शामिल है, ICF कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है वो है आनंद विहार टर्मिनल सत्रागाछी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। ये वीकली ट्रेन है, इसका ट्रेन नंबर है 22858। ये जो ट्रेन है
हर मंगलवार को दोपहर के 1:25 पे 5 नंबर प्लेटफॉर्म से आनंद विहार टर्मिनल से रवाना होती है और 24 घंटे 55 मिनट बाद ये ट्रेन जो है खड़गपुर जंक्शन में अगले दिन दोपहर के 2:20 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है और इसके तकरीबन 12 स्टेशन हैं, 1465 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है लगभग 60 किलोमीटर पर आवर। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच भी शामिल है, LHB कोचेस वाली ट्रेन है। हर मंगलवार को ये चलती है और 24 घंटे 55 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके बाद जो अगली ट्रेन है जो कि सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है दिल्ली से हिजली को कनेक्ट करने वाली, वो है न्यू दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस जो कि वाया आध्रा होकर चलती है। इसका ट्रेन नंबर है 22812। ये जो ट्रेन है नई दिल्ली से हर सोमवार और शुक्रवार को शाम को 5 बजे 11 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। 18 घंटे 15 मिनट बाद हिजली में ये ट्रेन जो है सुबह 11:15 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाती है। सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है ये और इसके तकरीबन 10 स्टेशन हैं, 1412 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर है 77 किलोमीटर पर आवर। राजधानी टाइप की ट्रेन है, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है, LHB कोचेस वाली ट्रेन है, फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC के कोच है और LHB कोचेस वाली ट्रेन है। इसमें एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। ये तेजस राजधानी ट्रेन है जो कि हाल ही में चलाई गई है। तो इसके बाद जो अगली ट्रेन है वो भी राजधानी एक्सप्रेस ही है जिसका नाम है न्यू दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस जो कि वाया टाटा नगर होकर चलती है। ये जो ट्रेन है इसका ट्रेन नंबर है 22824। नई दिल्ली से हर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को शाम को 5 बजे 11 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 19 घंटे 45 मिनट बाद हिजली में दोपहर के 12:45 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है और इसके तकरीबन 11 स्टेशन हैं, 1484 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 75 किलोमीटर पर आवर। राजधानी टाइप की ट्रेन है, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और ये जो ट्रेन है इसमें अगर कोचेस के बारे में बात करें, LHB कोचेस वाली ट्रेन है, फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC के कोच है। अगर कोच कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें, सेकंड AC के इसमें 2 कोच हैं, 1 कोच फर्स्ट AC का है और 11 कोच इसमें थर्ड AC के हैं और 1 कोच पेंट्री कार का भी इसमें शामिल है। इसके बाद जो अगली ट्रेन जो कि दिल्ली को खड़गपुर या हिजली से कनेक्ट करती है वो है आनंद विहार टर्मिनल हल्दिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जिसका ट्रेन नंबर है 12444। आनंद विहार टर्मिनल से हर मंगलवार को रात को 8:20 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। 21 घंटे बाद ये ट्रेन जो है खड़गपुर जंक्शन में शाम के 5:20 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है और इसके तकरीबन 10 स्टेशन हैं और 1465 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 70 किलोमीटर पर आवर। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और इसमें अगर कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें फर्स्ट AC, थर्ड AC, AC इकोनॉमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और ये LHB कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद जो आखिरी ट्रेन इस रूट पर चलती है जो कि दिल्ली को हिजली से कनेक्ट करती है वो है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 22802। ये जो ट्रेन है नई दिल्ली से रोजाना रात के 10:40 पे 8 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 24 घंटे 5 मिनट बाद ये ट्रेन जो है हिजली में रात के 10:45 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है और इसके तकरीबन 25 स्टेशन हैं, 1478 किलोमीटर का दिल्ली से हिजली तक का डिस्टेंस कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर है 61 किलोमीटर पर आवर। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है, LHB कोचेस वाली ट्रेन है। इसमें फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। तो दोस्तों इसी के साथ नई दिल्ली से खड़गपुर या हिजली तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। इसी तरह इस चैनल